नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। पश्चिमी यूपी में दशकों से एक मशहूर कहावत है, जिसके जाट उसी के ठाट। कहने का मतलब है, लोकसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा के चुनाव, जाट मतदाता जिधर गए उसी का बेड़ा पार हो गया। 2017 में यूपी विधानसभा चुनाव और 2019 का लोकसभा चुनाव इसके उदाहरण है। इससे भी पहले साल 2014 के लोकसभा चुनाव में जाटों ने अपना जनादेश कुछ इस तरह से दिया था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सभी लोकसभा सीटें बीजेपी के खाते में आ गईं। यह सिलसिला 2019 के लोकसभा चुनाव में भी जारी रहा। यहां पर बीजेपी की एक तरफा जीत रही। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और आरएलडी का मजबूत गठबंधन भी पिट गया। लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। तीन कृषि कानूनों की वापसी के खिलाफ पिछले 9 महीने से किसान संगठनों का आंदोलन जारी है। तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने और एमएसपी की कानून की गारंटी की मांग को लेकर के किसान आज भी सड़कों पर हैं। मुजफ्फरनगर में हुई किसानों की महापंचायत में जिस तरीके से सियासी पार्टियों को दूर रखने का दिखावा हुआ और टिकैत ने मंच से अल्लाहू अकबर के नारे लगवाए, उससे साफ जाहिर होता है कि 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में टिकैत विपक्ष के मिशन यूपी का एजेंडा सेट करने में लगे हुए हैं। टिकैत के अल्लाहू अकबर के नारे से कहीं ना कहीं 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों पर मरहम लगाने की कोशिश की गई, क्योंकि हाल ही में यूपी सरकार ने दंगों के आरोपी कई बीजेपी नेताओं के ऊपर से केस वापस ले लिए हैं। और अब महापंचायत के मंच से टिकैत का हिंदू मुस्लिम कार्ड, ये जाहिर करता है कि टिकैत 2022 से पहले पश्चिमी यूपी में बीजेपी को बड़ा डेंट लगाने की कोशिश में जुटे हैं। और ऐसे में सवाल तो बनता है कि क्या 2022 के चुनाव से पहले किसान मोहरा बन रहे हैं? टिकैत ने महापंचायत के खिलाफ हिंदू मुस्लिम कार्ड और क्या विपक्ष के मिशन यूपी को मजबूत कर रहे हैं? सवाल तो यह भी बनता है। तो सवाल तो बनता है, मैं महत्वपूर्ण सवाल आपको टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। और सवाल इस बात को लेकर के कि क्या 2022 के चुनाव से पहले किसान मोहरा बन रहे हैं? टिकैत ने महापंचायत के जरिए क्या हिंदू मुस्लिम कार्ड खेल दिया है? क्या विपक्ष के मिशन यूपी को मजबूत कर रहे हैं टिकैत? और साथ ही साथ सवाल इस बात को लेकर के कि क्या देश में किसान आंदोलन की दिशा बदल चुकी है? क्योंकि जिस तरीके से किसानों का जमावड़ा हुआ मुजफ्फरनगर में और उसके बाद एक संदेश किसानों की तरफ से जो देने की कोशिश की गई थी, क्या वो संदेश सरकार तक पहुंचा? और साथ ही क्या इस तरह की राजनीति से किसानों की समस्या हल हो जाएगी? यह सबसे बड़ा सवाल अपने आप में अनुत्तरित है। और आगे की राजनीति किसानों के सहारे क्या इसी तरह से बढ़ेंगी, इसको लेकर के आज हम बात करेंगे। चर्चा की शुरुआत हम करें और इससे पहले हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि मुजफ्फरनगर में हुई किसानों की इस महापंचायत को सियासी पार्टियां किस चश्मे से देख रही हैं, क्योंकि बेचैनी सत्ताधारी पार्टी बीजेपी में भी है और 2022 में सत्ता की आस में बैठे हुए विपक्ष में भी। आप भी सुनिए। बधाई देता हूं किसानों को जो एक साथ इकट्ठे खड़े हो गए हैं। किसानों का सम्मान भारतीय जनता पार्टी को करना चाहिए। किसानों का अपमान देश नहीं स्वीकार करेगा। जिस तरह से सपने दिखाए थे भारतीय जनता पार्टी ने कि उनकी पैदावार की आय दोगुनी कर देंगे, आय दोगुनी किसानों की नहीं की बल्कि हर चीज़ की महंगाई दोगुनी कर दी। किसानों के नाम पर या विरोधी पार्टियों के सारे पर इस प्रकार का जो प्रोपेगंडा करते हैं, इससे कोई किसान गुमराह होने वाला नहीं है। ये किसानों को भ्रमित करना चाहते हैं। मैं कह सकता हूँ ये पहले भी इस प्रकार की बातें करते रहे, लेकिन जब जब चुनाव आता है तो किसान माननीय प्रधानमंत्री मोदी के साथ खड़ा होता है और हर चुनाव को जिताने का काम करता है। और आने वाले समय में किसान फिर से 2022 हो 2024 हो, किसान भाजपा के साथ खड़ा होगा, भाजपा की सरकार के साथ खड़ा होगा, माननीय प्रधानमंत्री मोदी के साथ खड़ा होगा। तो देखिए सरकार जाने ना, अब ये तो जनता निर्णय लेनी है और जनता को निर्णय लेना चाहिए, किसानों को निर्णय लेना चाहिए। भाजपा सरकार सिर्फ और सिर्फ उद्योगपतियों के हित साधने में लगी हुई है। पूरे देश की जो सार्वजनिक उपक्रम है, जो सरकारी संपत्तियां हैं, उनको बेचने में लगी हुई है। किसानों का और इस देश के नौजवानों का कोई भी सरोकार और कोई भी जिम्मेदारी भाजपा सरकार नहीं समझ रही। देश के किसानों ने उत्तर प्रदेश में जो महापंचायत की है उसका एक बड़ा संदेश जाएगा और आने वाले 2022 में भारतीय जनता पार्टी को उसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। जिस तरीके से 9 महीना 10 दिन से धरना प्रदर्शन किसानों का चल रहा है और जिस तरीके से कल किसान महापंचायत हुआ,
तीन काले कानून को लेकर के इससे यह एहसास होता है कि इस सरकार से किसान नाराज है, और ये भी सत्य है कि उत्तर प्रदेश की भी सरकार से किसान बहुत नाराज है। तो आखिरकार इन सवालों को किस तरीके से देखा जाए, क्योंकि लगातार राजनीति जिस तरीके से बढ़ रही है, और मायावती के ट्वीट ने भी कई सवाल उठाए हैं। मायावती ने ट्विटर के जरिए लिखा है कि उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में हुई किसानों की जबरदस्त महापंचायत में हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक सौहार्द के लिए भी प्रयास अति सराहनीय रहा। साथ ही उन्होंने लिखा कि इससे निश्चित ही सन 2013 में सपा सरकार में हुए भीषण दंगों के गहरे जख्मों को भरने में थोड़ी मदद मिलेगी, किंतु ये बहुतों को असहज भी करेंगी। तो सवाल इस बात को लेकर के कि आखिरकार किसको असहज कर रही हैं। उन्होंने ये भी लिखा कि किसान देश के शान और हिंदू मुस्लिम भाईचारे के लिए मंच से सांप्रदायिक सौहार्द के लिए लगाए गए नारों से बीजेपी की नफरत से बोई हुई उनकी राजनीतिक जमीन खिसकती हुई दिखने लगी है। मुजफ्फरनगर ने कांग्रेस और सपा के दंगायुक्त शासन की भी लोगों के मन में याद ताजा कर दी है। ये मायावती का ट्वीट, और अब आखिरकार किसान आंदोलन किस तरीके से आगे बढ़ेगा? क्या किसानों के नाम पर राजनीति हो रही है? क्या विपक्ष का एजेंडा सेट करने की कोशिश यहां पर राकेश टिकैत करते हुए दिखाई दे रहे हैं? अल्लाह अकबर के नारे भी लगे, और साथ ही साथ अब आगे की राजनीति कैसे चलेंगी? किसान एक अहम भागीदारी रही है किसानों की सरकार बनाने में, चाहे वो किसी की भी दल की सरकार हो, तो क्या आगे भी किसान जिसके पक्ष में उसी की सरकार होगी? और चूंकि ये जहां पर ये किसान महापंचायत हुई है वो पूरा एक गन्ना बेल्ट माना जाता है, खासतौर पर ये जो इलाका, और यहां पर खुद सिसौली से ही राकेश टिकैत आते हैं, और ऐसे में राकेश टिकैत की राजनीतिक जमीन जिस तरीके से पिछली बार जो है वो खिसक गई थी, क्या उसको पाने की कोशिश फिर से हो रही है? और क्या इस रैली के सहारे, इस किसान महापंचायत के सहारे उन्होंने संदेश देने की कोशिश की है? तो अपने आप में यह भी, दूसरी तरफ सरकार का अपना पक्ष कि गन्ना पिराई के नए सत्र से पिछला भुगतान हो जाएगा, साथ ही साथ कई योजनाएं सरकार कर रही है कि वो किसानों के लिए लेकर के आ रही है, सच्चाई कितनी है, किसानों तक लाभ कितना पहुंच रहा है, और इसके राजनीतिक पैमाने क्या है? ये तमाम मसले हैं जिनको लेकर के हम बात करने वाले हैं आज सवाल तो बनता में है। तो सवाल तो बनता है मैं आज हम इन्हीं मुद्दों को लेकर के बात कर रहे हैं, और साथ ही साथ हम आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने ट्वीट किया। और चलिए चर्चा पर आते हैं, हमारे साथ एक बड़ा पैनल मौजूद है, उससे आपका तारुफ करवा दूं। ब्रजेश पाठी हमारे साथ हैं, राष्ट्रीय किसान एकता मंच के महासचिव हैं, और साथ ही विकास श्रीवास्तव हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, विजय उपाध्याय हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ, प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव हैं प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, और अशोक पांडे हमारे साथ हैं प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले विजय उपाध्याय जी, मैं आप ही से शुरुआत करना चाहता हूं। वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर आपने राजनीति को करीब से देखा है, और ये जो किसान महापंचायत हुई मुजफ्फरनगर में, क्या इसे कैसे देखा जाए, क्या माना जाए? क्योंकि एक तरफ से सवाल कि जो राकेश टिकैत है वो विपक्ष का एजेंडा सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, राकेश टिकैत पर यह भी आरोप कि वो अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे हैं, आखिरकार कैसे इसको आप देख रहे हैं? देखिए, ये 9 महीने से चल रहा है, और किसान आंदोलन की तरफ से जो किसान संयुक्त मोर्चा है वो इसको किसी भी सूरत में छोड़ना नहीं चाहता। वो कह रहे हैं चुनाव होते रहेंगे और आंदोलन चलता रहेगा। ये एक नई विधा है, और अन्ना हजारे का आंदोलन जो 2013 में हुआ था ये उसका पार्टी है। कोशिश ये है कि इसके सहारे कुछ चेहरे जो राजनीति में आके फेल हो गए, नहीं चुनाव जीत सके, चाहे योगेंद्र यादव हो या स्वयं राकेश टिकैत, उनको ऐसा लगता है कि शायद इस आंदोलन के सहारे हम चुनाव जीत सकते हैं। वो कह तो नहीं रहे हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन सारे कदम उनके उसी तरफ हैं कि एक ऐसी स्थिति आएगी, अरविंद केजरीवाल की तरह वो कहेंगे कि विकल्प हम देंगे और हम राजनीतिक दल बना रहे हैं या हम स्वयं राजनीति करने उतर रहे हैं। इसमें शुद्ध रूप से राजनीति हो रही है, और ये किसान का जो मुद्दा है, देश में एग्रीकल्चर सेक्टर में जिस तरीके के बदलाव होने चाहिए, जिस तरीके के इनपुट की रिक्वायरमेंट है, जिस तरीके से जो हमारा किसान है, जहां पिछले लंबे अरसे से वो सोचता है कि कैसे उसकी इनकम बढ़े, कैसे एम्प्लॉयमेंट बढ़े, क्योंकि जितने तरीके से आप एग्रीकल्चर सेक्टर का विश्लेषण करा लें, आप पाएंगे यही कि जो मौजूदा स्थिति है उसमें ना तो रोजगार बढ़ने की संभावना है और ना इनकम ज्यादा बढ़ने की संभावना है। न्यूनतम सपोर्ट प्राइस पर किसान क्यों ज्यादा जोर दे रहे हैं, मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस की बात क्यों नहीं करते? ये बात भी समझने की है कि ज्यादा जोर इसी बात पे क्यों है
कि न्यूनतम सपोर्ट प्राइस पर हम जीवन जिएंगे, हमें मैक्सिमम सपोर्ट मैक्सिमम प्राइस नहीं चाहिए अपनी फसल का। तो ये मेरा मानना है कि किसान को मैक्सिमम प्राइस की तरफ आगे कदम बढ़ाना चाहिए, ना कि न्यूनतम सपोर्ट प्राइस का। कोरोना के कारण देखिए, करीब उत्तर प्रदेश में 13 करोड़ से ज्यादा लोगों को निःशुल्क खाद्यान्न दिया जा रहा है। तो इस समय फ्लडेड है धान और गेहूं, चावल और गेहूं फ्लडेड है, जिसकी वजह से रेट उसका बहुत डाउन है। और अभी जो रेट डाउन है, ऐसा नहीं है कि कोरोना के बाद भी ऐसा रहेगा। मेरा ऐसा मानना है कि जिस दिन ये मुफ्त अनाज बंटना बंद होगा, उस दिन रेट बढ़ जाएंगे, फिर मिनिमम सपोर्ट प्राइस से ज्यादा मार्केट की प्राइस जाएगी, वहां पे फिर किसान का जो ये आज का लॉजिक है कि हमें मिनिमम सपोर्ट प्राइस चाहिए, मुझे ऐसा लगता है जब उन्हें 2000 से ज्यादा पर क्विंटल 2200 रुपए या 2400 रुपए गेहूं बाजार में मिलने लगेगा, तो शायद अपनी जिद शायद छोड़ेंगे। दूसरा एक और बड़ा बदलाव हो रहा है कि इतने बड़े आंदोलन से अलग आप देखिए कि उत्तर प्रदेश के तमाम गाँव में नए किसान और जो पढ़े लिखे लोग हैं, किसानों के बेटे हैं, नए किसान हैं, नई पीढ़ी के किसान हैं, वो धान और गेहूं के चक्कर में नहीं पड़ रहे हैं। वो मेंथा उगा रहे हैं, वो मूली की खेती कर रहे हैं, गाजर की खेती कर रहे हैं, तुलसी की खेती कर रहे हैं, हल्दी की खेती कर रहे हैं, गिलोय उगा रहे हैं, वो तमाम और ऐसी चीज है जिसकी मार्केट में डिमांड है, उसकी रिसर्च करके वो काम कर। आप देखिए, चेरी की खेती बुंदेलखंड जैसे इलाके में हो रही, या जो ड्रैगन फ्रूट की खेती अवध के इलाके में किसानों ने शुरू किया है, भिंडी की खेती लखीमपुर खीरी के कई किसानों ने शुरू की है, जो सब्जी खाली अब उगाते हैं और मार्केट में पहुंचाते हैं। एक बदलाव का दौर भी चल रहा है, जिसकी चर्चा न किसान आंदोलन के नेता कर पा रहे हैं और न ठीक से उसको सरकार की तरफ से भी किया जा रहा है। जी, तो विजय जी, आप कह रहे हैं कि सिर्फ यही तस्वीर नहीं है जो किसान आंदोलन के जरिए किसान की हमारे सामने आ रही है, उससे इतर भी एक तस्वीर है, उसको भी देखने की जरूरत है। और आज का प्रगतिशील किसान जो है वो अपने तरीके से हाईटेक खेती की तरफ भी बढ़ रहा है, नकदी फसलों की तरफ भी बढ़ रहा है, वो जानता है कि फायदा कैसे लेना है। मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस जो है MSP पर भी उसकी बात किसान कर रहा है, उस तरफ देख रहा है, उस तरफ देखना भी चाहिए। मृजेश भाटी, कैसे आप इसे देख रहे हैं? उपाध्याय जी ने जो बात कही है जी, वो ठीक है। जो आप उनका विचार है वो क्या कह रहे हैं, उन्होंने शुरू में ही इस आंदोलन को राजनीतिकरण कर दिया। वरिष्ठ पत्रकार आपको अपना आपको बता रहे हैं, अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन उन्होंने शुरू में ही ये कह दिया कि तो राजनीति। उपाध्याय जी, कल आपने 15 से 20 लाख लोगों की भीड़ नहीं देखी, क्या वो कौन थे आप मुझे बता लीजिए? क्या वो किसान नहीं थे? वो कोई भीड़ है, कोई भाड़े से बुलाई हुई भीड़ थी? और ये जो किसान आंदोलन पिछले 9 महीने चल रहा है, 10वां महीना होने को जा रहा है, जिसमें 650 से 700 शहादत हो गई हैं, क्या आपको किसान आंदोलन नहीं दिखता? क्या ये जो आपको राजनीतिक पार्टी की रैली दिख रही है, और आप बात कर रहे हैं उच्चतम प्राइस की? हम तो न्यूनतम की मांग कर रहे हैं, सरकार उसको नहीं दे रही। उच्चतम की बात छोड़ दीजिए, न्यूनतम मूल्य की मांग कर रहे हैं, MSP की मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात कर रहे हैं हम, उसे सरकार नहीं दे रही। उच्चतम की बात तो जब करेंगे आप। लेकिन ब्रिजेश जी वो कह रहे हैं कि किसानों को अब नए दौर के साथ उच्चतम MSP की तरफ बढ़ना चाहिए, उसको भी मतलब उसकी तरफ बढ़ें, और बहुत सारे किसान जो है ना वो नए तकनीक के साथ में और नए तरीके से खेती कर रहे हैं, ये भी एक सच्चाई है। जी ब्रिजेश जी, बात है नए जी, लेकिन देखिए क्या हो रहा है कि राकेश टिकैत पर ये आरोप लगते जा रहे हैं कि वे अपनी राजनीति साधने की कोशिश कर रहे हैं। पहले उन्होंने चुनाव लड़ा, वो हार गए, और अब मुजफ्फरनगर की धरती से उसको तलाशने की कोशिश की जा रही है। चुनाव लड़ा क्या रहा, कौन हारा, उससे कोई मतलब नहीं है। ये आंदोलन चल रहा है किसानों का, और कल 15 से 20 लाख लोगों ने आके ये दिखा दिया, ये असली किसानों का आंदोलन है। और जो सरकारें और जो लोग कहते हैं कि मुट्ठी भर किसान कहते थे, कल ये साबित हो गया है कि ये मुट्ठी भर किसानों का आंदोलन नहीं। इसमें 500 संगठन आए कल देश के, 20 से 25 लाख आदमी आए, 15 से 20 लाख आदमी, तो 20 लाख से तो कभी एक आदमी नहीं रहा है। तो ये सच्चाई है, साबित हो गया है कि लेकिन वो तो हमने सबने देखा ना ब्रिजेश जी, ब्रिजेश में कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन है, जो कोर टीम है आपकी, संयुक्त किसान संयुक्त मोर्चा, उसमें कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? और नहीं, ऑर्गेनाइजेशन नहीं है उपाध्याय जी, आप तो राजनीति की बात कर रहे हैं, आपको वरिष्ठ पत्रकार बता रहे हैं, आप राजनीति के तहत बात कर रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता की तरह बात कर रहे हैं। नहीं ब्रिजेश जी, देखिए गलत बात है ब्रिजेश जी, उनको भी तो अपनी बात रखने का, आपके जैसे आप अपनी बात रख रहे हैं, तो बीच में क्यों बोल रहे हैं? मुझे संयुक्त मोर्चे में कौन कौन लोग हैं?
नहीं, संयुक्त मोर्चा में 40 जत्थेबंदी हैं, पूरे पंजाब के लोग हैं, हरियाणा के लोग हैं, उत्तर प्रदेश के जितने नहीं, नाम बता दीजिए साफ हो जाएगा। नहीं नाम मैं पूरा लिस्ट भेजूंगा आपको, लिस्ट पढ़ लेना। 40 लोग हैं और 450 संगठन इसे विजय जी, विजय जी आगे बढ़ते हैं, मैं वापस से आ जाऊंगा, विजय जी वापस से आ जाएंगे इस बात पे, आगे बढ़ते हैं, सबको एक एक कमेंट करने का मौका इसमें मिलना चाहिए और अपनी अपनी बात है सबकी। विकास श्रीवास्तव, कैसे से देखा जाए, क्या जो राकेश टिकैत पर आरोप लग रहे हैं कि वो अपनी जमीन तलाश रहे हैं और ये भी आरोप कि वो विपक्ष का एजेंडा सेट कर रहे हैं। मायावती का ट्वीट देखिए, उन्होंने सीधे तरीके से कांग्रेस पर भी हमला बोला, किसानों के बाने, और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी बीजेपी पर भी हमला बोला। विकास जी, विकास जी आप सुन पा रहे हैं? विकास जी आप अनम्यूट कीजिए। हिंदुस्तान की राजनीति में जी आप बोलिए, हिंदुस्तान की राजनीति में ये पहला ऐसा राजनीति से ऊपर उठकर और अहिंसावादी आंदोलन आपके सामने है जिसका इतिहास ना पहले पिछला कभी था न हमें लगता है भविष्य में भी ऐसा आंदोलन है जी। लेकिन लेकिन विकास जी आप इसको अहिंसावादी तब भी कहेंगे जब दिल्ली के लाल किले पर जो हुआ उसके बाद में दिल्ली की सीमाओं पर देखिए कितने सारे नेताओं के साथ क्या क्या हुआ, उसके बावजूद भी आप इसे अहिंसावादी आंदोलन करेंगे? राजस्थान में भी कई नेताओं पर हमला हुआ। मैं आ जाऊंगा सर, आ जाऊंगा ना विजय जी, आ जाऊंगा एक बार उनसे सवाल। विकास जी मुझे जैसे सबको अवसर मिल रहा है, मुझे भी अवसर बिल्कुल, मेरी बिल्कुल, बात पूरी आने के बाद आप मेरी बात को काट लीजिए। ठीक है, बोलिए, पहले मुझे अपनी बात रख लेने जी। एक अनूठा आंदोलन, पूर्णता अहिंसावादी, एक साल होने वाले हैं, 9 महीने से बीत रहे हैं और 40 संगठन का एक संयुक्त मोर्चा है। अभी उपाध्याय जी हमारे वरिष्ठ पत्रकार महोदय पूछ रहे थे कि ये कौन लोग हैं, ये पूछने का तो अब औचित्य ही नहीं है क्योंकि भारत की जो सबसे शक्तिशाली सरकार जिसने वो तीनों काले कानून पास किए किसान विरोधी जिसको लेकर किसान उद्वेलित है, उसके 40 संगठन के प्रतिनिधियों से बात कर रही है भारत सरकार, तो उनकी निश्चित CBI जांच, इंटेलिजेंस रिपोर्ट सब कुछ भारत सरकार को पता है कि हमसे कौन लोग बात कर रहे हैं। रहा सवाल तीन काले कानून के औचित्य को लेकर, इसमें सबसे खतरनाक है SDM के द्वारा उसकी अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर कोई विवाद होता है, उसकी भूमि को लेकर कोई विवाद होता है तो SDM से ऊपर नहीं जा सकते हैं और SDM की ताकत आपने देखी, करनाल में एक किसान को जान गंवानी पड़ी और उन्होंने खुद लाइन लगवा कर पुलिस वालों को बोला सीमा पार करते ही सिर फूटे होने चाहिए। तो SDM की ताकत देख लीजिए और उसकी जो मोदी जी के मित्र हैं बड़े बड़े धन्ना सेठ जिन्होंने कानून पास होने से पहले भंडार गृहों का निर्माण कर लिया, अत्याधुनिक भंडार गृह जो किसान की कल्पना से भी दूर है, भारत के किसी भी व्यक्ति ने सोचा नहीं था, पर उन लोगों ने इस कोरोना काल में भारत की अर्थव्यवस्था -23 GDP हो गई, इस देश की अर्थव्यवस्था को केवल किसान संभाला हुआ था। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, जल्दी जल्दी जी। तो उस किसान को सिर फोड़वाने की राय, बाकायदा सिर फोड़ा गया किसान की, इसमें कहां आपको राजनीति दिखाई पड़ रही है? राजनीतिक दलों क्या सच के साथ खड़े होना? अशोक जी मैं आ रहा हूं आपके पास, एक कमेंट आ रहा हूं आपके पास। जो भारतीय अर्थव्यवस्था है जिसको किसान की ही कंधे पर है, आप तमाम सारी योजनाओं को बांध रहे थे, बाढ़ में अभी आपने झोला दिया, मोदी जी ने अपनी फोटो लगा के उस झोले में जो राशन दे रहे हैं वो उसी को ही किसान दे रहा है। आप 5 रुपए की पेन लेते हैं कम MRP पर, आप नहीं लेंगे किसान को उसकी फसल का सही मूल्य क्यों नहीं मिलेगा? और जब भी आपने वादा किया कि हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे जी, हिंदुस्तान में आप बैंकों का NPA माफ कर देते हैं, पूरी अर्थव्यवस्था चौपट हो जाए, पर आप पूरे हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी 70 साल में बनाई हुई कंपनियों को बेच सकते हैं, पूरी अर्थव्यवस्था। विकास जी मैं आ जाऊंगा, बहुत लंबा हो रहा है आपका। किसान की आवाज बंद करने के लिए इतना षड्यंत्र, ठीक है विकास जी, 9 महीने से ठीक है, एक एक बार सबको देखिए, कमेंट हो जाए सबके, उसके बाद में मैं आता हूँ। पार्टी की सरकार ठीक है और इस तरीके का षड्यंत्र करेंगे किसानों के साथ, जबकि वो अपनी लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज भी उठा रहे हैं
और शांतिपूर्ण तरीके से वो आपको चिता रहे हैं कि हिंदुस्तान के। ठीक है विकास जी, विकास जी आपकी बात खत्म हो गई। मोदी सरकार कर ठीक है विकास जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? विकास जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? विकास जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? आपकी बात आपने कंप्लीट कर ली प्रोफेसर। सुन पा रहा हूं, पर लोकतंत्र में आवाज दबनी नहीं चाहिए, नहीं नहीं बात बाहर आनी चाहिए। मैं बिल्कुल इसीलिए तो लोकतंत्र में इसीलिए तो आप बैठे हुए हैं, अपनी बात कर रहे हैं। आप क्यों इतना घबरा रहे हैं कि लोकतंत्र में आपकी आवाज दब जाएगी? इतनी बड़ी पार्टी है, आपने इतने सालों तक राज के आदेश पर अंग्रेजों को इस देश से भगाया है। नहीं नहीं जमहूरियत आपने इतने साल तक देश पर राज किया है कि रीढ़ तोड़ने में लगे इस भारत की अर्थव्यवस्था को। विकास जी, विकास जी आपने इतने सालों तक इस देश पर राज किया है, फिर इस लोकतंत्र में आप इतना क्यों घबरा रहे हैं? आता हूं मैं, आता हूं। धर्मेंद्र यादव जल्दी से। धर्मेंद्र जी अखिलेश यादव कहते हैं कि किसानों का सम्मान बीजेपी को करना चाहिए, सरकार को करना चाहिए। आपको क्यों लगता है कि किसानों का सम्मान नहीं हो पा रहा है? और उत्तर प्रदेश में चूंकि बीजेपी कहती रही है कि देखिए हमारे आने के बाद पहले वालों ने क्या किया, अब हम क्या कर रहे हैं किसानों को लेकर के, गन्ना भुगतान हमने सबसे ज्यादा किया, ये भी लगातार ये कहा जा रहा है कि किसानों के हित में हम योजनाएं बना रहे हैं, तमाम चीजें। जी जवाब दीजिए। पहले तो मैं आपको बता दूं कि समाजवादी पार्टी ने अपने कार्यकाल में क्या किया, गन्ना भुगतान से लेकर के गन्ने का रेट 80 रुपया पर क्विंटल बढ़ाया था। आज जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उत्तर प्रदेश में, उसने एक रुपया भी गन्ने का मूल्य नहीं बढ़ाया है। इस बात को आप अपने चैनल के माध्यम से लोगों को भी बताइए। नहीं बात जो आप कह रहे हैं कि इसमें राजनीति की बात है, भारतीय किसान संघ RSS का एक अंशवांगिक संगठन है। भारतीय किसान संघ के जो महासचिव हैं उन्होंने खुद भी कहा, बद्री नारायण चौधरी जी हैं, उन्होंने खुद इस बिल पर आरोप लगाए। तो आप मुझे बताइए कि जब भारतीय जनता पार्टी और RSS से जुड़ा हुआ संगठन किसान संगठन वो भी इस पे आपत्ति जता रहा है, तो क्या वो भी राजनीति कर रहा है? दूसरी बात यह है कि जो ये आपका किसान महापंचायत हुआ मुजफ्फरनगर में, इसमें 22 राज्यों से और 300 से ज्यादा किसान संगठन जुड़े उसमें, तो इसमें कोई ये कैसे कह सकता है कि भाई इसमें बाकी लोग नहीं जुड़ रहे हैं? अभी हमारे उपाध्याय जी पूछ रहे थे कौन कौन से संगठन है, उसमें संगठन का नाम अगर मैं बताऊं तो किसान मजदूर संघर्ष समिति है, जय किसान आंदोलन है, भारतीय किसान यूनियन है, क्रांतिकारी किसान यूनियन है, कीर्ति किसान यूनियन है, किसान संघर्ष समिति है, ऑल इंडिया किसान सभा है, पंजाब किसान यूनियन है, ऐसे सारे 300 की लिस्ट है लगभग। वो अगर इनके पास मेरे ख्याल से समय होगा तो पढ़ लेंगे, नेट पे भी अवेलेबल है, बहुत इजीली अवेलेबल है जी। रही बात जो भारतीय धर्मेंद्र जी मैं आता हूं, ठीक है अशोक पांडे जी, काम है जी बिल वापस करना भारत सरकार का काम है। भारत सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की है, तो भारतीय जनता पार्टी इस बिल। धर्मेंद्र जी आपकी आवाज भी इसमें ब्रेक हो जा रही है, मैं कोशिश करता हूं कि उसको सुचारू की जाए जी। अशोक पांडे जी हमारे साथ हैं, आवाज जा रही है जी। हाँ हाँ बोलिए अशोक पांडे जी के पास आता अपनी बात पूरी लेकिन, लेकिन हाँ धर्मेंद्र जी अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए इसमें जो देखिए ऐसा है कि जो ये कह रहे हैं कि राकेश टिकैत जी चुनाव लड़ना चाहते हैं, अब आप मुझे बता दीजिए कोई किसान चुनाव नहीं लड़ सकता, कोई किसान राजनीति नहीं कर सकता? किसान अगर इस देश को अन्न दे सकता है तो लोकतांत्रिक तरीके से राजनीति कर सकता है जी। नहीं मान लो नहीं लड़ेगा अलग बात है, वो आपका डिसीजन मान लेता हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ कोई किसान चुनाव मतलब किसान चुनाव नहीं कर सकता, किसान संसद में जाके बैठ नहीं सकता, किसान का अधिकार नहीं बचा है। पूंजीपति जाके संसद के बाहर बिल बनवाएंगे, अध्यादेश लाएंगे, लेकिन किसान जो इस देश का अन्नदाता है, 80% किसान इस देश में रहते हैं, वो किसान नहीं कर सकता है। आप मुझे बता दीजिए कि जो कानून बना उससे पहले ही अडानी ने अपना डेटा वेयर हाउस बनाना शुरू कर दिया। कानून बनने से पहले कोई पूंजीपति डेटा वेयर हाउस कैसे बना सकता है, इसका मतलब उसको जानकारी है? तो आज जो लेकिन धर्मेंद्र जी धर्मेंद्र जी बताइए, BSP सुप्रीमो ने ये कहा है अपने ट्वीट में कि ये जो मुजफ्फरनगर की किसान महापंचायत है ना, उसमें अल्लाह अकबर के नारे लगने से कांग्रेस और सपा के दंगायुक्त शासन की याद भी लोगों के मन में ताजा कर दी है। देखिए कौन दंगा और उन्होंने लिखा है 2013 में सपा सरकार में हुए भीषण दंगों के गहरे जख्मों को भरने में इससे थोड़ी मदद मिलेगी। ऐसा है, वो बहन जी का बयान है, बहन जी के बयान पे मैं क्या टिप्पणी करूं? आज आप बहस कर रहे हैं महापंचायत पे और उसमें महापंचायत पर ही बहन जी का बयान आया है, महापंचायत पर ही आया। महापंचायत में समाजवादी पार्टी तो नहीं थी, उसमें समाजवादी पार्टी का नाम कहां से आया बहन जी के? उसमें बहन जी ने ट्वीट किया, बहन जी के दो ट्वीट हैं, आप चाहे तो मैं पूरा पढ़ के सुना दूं। बहन जी ने ट्वीट किया, बहन जी ने मेरी बात सुन लीजिए, यादव जी महापंचायत में समाजवादी पार्टी थी क्या? यादव जी आप बताइए हाँ या ना बताइए ना। यादव जी सुन तो लीजिए ना, मेरी बात सुन लीजिए। अब मैं अपनी तरफ से तो कह नहीं रहा, बहन जी का ट्वीट आया
और सबसे ज्यादा राजनीति अगर इस शो में इस आंदोलन में अगर कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चाहती तो बिल वापस एक दिन में ले लेती, इसमें दिक्कत क्या है। अशोक पांडे जी हमारे साथ हैं। अशोक पांडे जी, आरोप ये आप पर सबसे ज्यादा राजनीति आप कर रहे हैं और किसानों का आरोप कि इतने लंबे समय से किसान बैठे हुए हैं, अगर आप किसान हितेशी होते तो 9 महीने से ज्यादा वक्त हो गया किसानों से बात नहीं। उत्तर प्रदेश में भी किसानों की समस्याएं उनको लेकर के पूरा 4.5 साल का शासनकाल, अब घोषणाओं की बात करते हैं, इतना लंबा वक्त लग गया, इस तरह के आरोप हैं आप पर, जवाब दीजिए। देखिए, आपको बता दें कि हम तो राजनीति नहीं कर रहे हैं, किसान भाइयों के लिए लगातार हमारे दरवाजे खुले, उनसे वार्ता का क्रम भी जारी है। देखिए, क्या जो ये आंदोलन है, ये आंदोलन अब धीरे धीरे राजनीतिक रंग लेता जा रहा है, अब सीधे सीधे अल्लाह अकबर की धारा में जा रहा है, बल्कि अब तो टिकैत साहब से हम कहना चाहते हैं जरा सामने तो आओ, छलिए, छलने में क्या लाज है, अब सीधे आ जाओ सामने, अब राजनीतिक दल बना के मार के आओ, प्रासंगिक लोग हैं ये। मेरा ये मानना है हमारी सरकार ने जिस तरह से गन्ना किसानों का, जिस तरह से देख लिया आपने भीड़ में, जिस तरह से गन्ना किसानों का भुगतान किया है, और हमने भी कहा जब हमारी चीनी मिले पिराई शुरू करेंगी तो बाकी हम पेमेंट कर देंगे, हमारी पश्चिम की चीनी मिलों को हमने सुसज्जित किया है तो 25 अक्टूबर से प्रारंभ हो जाएंगी, 22 अक्टूबर से पूर्वांचल की चीनी मिलें सुसज्जित होंगी। प्रधानमंत्री जी ने किसानों के खातों में सीधे पैसा देने का काम किया है, अब प्रत्याशित हमने गेहूं की खरीद किया है, गेहूं की पैदावार इस बार दुगनी हुई है, आप पता लगा ले, हम बिजली दे रहे हैं, पहले बिजली जाना एक खबर थी, अब बिजली जाना खबर है, ये लोग अप्रासंगिक लोग हैं, ये वही लोग हैं जो 26 जनवरी को हिंदुस्तान के राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करते हैं, ये वही लोग हैं जो कहते हैं इंदिरा तुम्हारे लोग थे, तुम्हारी पार्टी का कार्यकर्ता था, पाकिस्तान जिंदाबाद, तुम्हारा कार्यकर्ता था हिंदू जिसने तिरंगे का अपमान किया है। विजय जी, मैं चाहता हूँ कि एक एक करके हम सुन लें, सबकी बात सुन लें, वो ज्यादा बेहतर होगा, फिर आप ही कहेंगे बोलने नहीं दिया गया। मैं चाहता हूं कि जब आप लोग आते हैं, आप अपनी अपनी बात कहने के लिए आते हैं, तो एक एक करके अगर हम अपनी बात कह लेंगे और दूसरे की बात भी सुन लेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। अगर गलत बात होगी तो विरोध करूंगा भैया मैं जी, अगर गलत बताएंगे, झूठ बताएंगे, इसका विरोध होगा, विरोध कीजिए, लेकिन आपका आपका जो समय आए ना तब आप विरोध कर सकते हैं, मैं आपको कहां रोक रहा हूं। झूठ बोल रहे हैं, ब्रिजेश जी थोड़ा सा देखिए, अगर ऐसे देखिए ब्रिजेश जी पाकिस्तान जिंदाबाद में बदल गया है, ये आंदोलन खाली, चलिए ब्रिजेश जी जवाब दीजिए, ब्रिजेश जी, अशोक जी वापिस आ जाता हूँ, ब्रिजेश जी ब्रिजेश जी, मेरी बात तो सुनिए, पता नहीं रहे नारा लगाता नहीं, ये तो दीप सिंधु बताएगा जिसने अपमान किया था, जिसके नरेंद्र मोदी के साथ फोटो बताएगा। ब्रिजेश जी राकेश टिकैत के लोगों ने किया था लाल किले पर, माताओं बहनों ने अपने कुर्बानी दी थी, तब जाके राष्ट्रीय ध्वज आया था, चलिए मैं मुझे एक ब्रेक लेना है, छोटा सा ब्रेक लेना, उसके बाद में वापस आऊंगा, और धर्मेंद्र यादव भी उंगली उठा रहे हैं, आता हूं वापस से ब्रेक के बाद, तो इस चर्चा को हम लगातार जारी रखेंगे, लेकिन पहले लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत, हमारे साथ एक बड़ा पैनल मौजूद है, लगातार इस बात को लेकर के चर्चा के किसानों की समस्याओं के पीछे क्या राजनीति हो रही है, कौन अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रहा है, और आखिरकार किसानों की जो महापंचायत में भीड़ उमड़ी उससे किसको परेशानी हो रही है, कौन डरा हुआ है कि किसान आगे क्या करेंगे। ब्रिजेश भाटी,
जो सवाल आप पर उठाए जा रहे हैं, कह आप एक तरफ तो अपने आप को कह रहे हैं कि हम राजनीति नहीं कर रहे हैं, दूसरी तरफ मंच से अल्लाह अकबर के नारे, उससे उसके इतर भी हम देखें इस किसान आंदोलन को, तो उसमें दिल्ली के लाल किले पर हिंसा भी है, साथ ही साथ अलग अलग जगहों पर भी हिंसा है, चाहे वो बीजेपी नेताओं के साथ हिंसा की गई हो, प्रेम सिंह बाजोर के तो बाकायदा कपड़े तक फाड़ दिए, मारपीट की गई, उनकी गाड़ी तोड़ दी थी, और भी कई नेता हैं अलग अलग जगहों से, तो अहिंसक और आप ये करें तो हम तो गांधीवादी हैं, हम तो राजनीति नहीं करते हैं। ब्रजेश भाटी जवाब दीजिए। ब्रजेश जी आपका आवाज आ रही है? ब्रजेश जी आपने म्यूट कर रखा शायद। ब्रजेश जी को आवाज नहीं जा रही है। हर हर महादेव के भी नारे लगे हैं जी, वहाँ अल्लाह अकबर के भी लगे हैं, अल्लाह अकबर भी एक धार्मिक नारा है, इसमें बुराई क्या है मुझे ये बता दीजिए। इस देश में क्या मुसलमान नहीं रहता? किसान मुसलमान है, खेती नहीं करता क्या? वो किसान नहीं है क्या? किसान की कोई जाति धर्म होता है? किसान ये सब करते हैं। और रही लाल किले की बात, लाल किले पे झंडा फहराने वाला बीजेपी का कार्यकर्ता था दीप सिंधु, जो गुरदासपुर के सांसद हीरो सनी देओल का प्रतिनिधि था, जिसकी फोटो नरेंद्र मोदी के साथ है, जिसकी फोटो अमित शाह के साथ खाना खाते हुए की तरफ हुए है, किसी प्रवक्ता की औकात जो वह पहुंच जाए इनके साथ नरेंद्र मोदी जी के पास? क्यों गुमराह कर रहे हैं इस देश को? और सुन लीजिए मेरी बात, और ये बात कर रहे हैं बीजेपी के नेताओं के हमला की, एसडीएम ने करनाल में क्या किया आपने देखा है? ये कार्रवाई कर सकते हैं उस पर 300 का जिसने ये कहा? ब्रजेश जी ये भी तो कहा जाता है कि मोगा में क्या किया, फिर आप उस पर चुप क्यों रहते हैं? करनाल पर आप सवाल उठाते हैं, लेकिन ये कहते हैं कि मोगा में हुआ उस पर सवाल नहीं उठाते आप लोग। नहीं, सरकार पर सवाल क्यों नहीं उठाए? सरकार पर सवाल क्यों नहीं उठाए? हमें 10 महीने हो गए, 700 हो गई है इसमें, और इस बात मुझे बता दीजिए नहीं ब्रजेश जी, को लाने वाली कौन थी? सरकार तो थी बिलों को लाने वाली, और किसका? पंजाब के मोगा में किसानों पर लाठी चार्ज हुआ, ये कह रहे हैं कि उस पर आप सवाल नहीं उठाते, और फिर आप अपने आप को कहते हैं कि हम गैर राजनीतिक हैं। नहीं, हम क्यों? एक बात बताओ, अगर गलत पंजाब में होगा तो विरोध पंजाब का किया जाएगा? कहां किया? नहीं, क्यों नहीं कर रहे? हम तो हर जगह कहते हैं, हम तो ये भी कहते हैं कि 2012 में इनको लाने वाली कांग्रेस थी, वो पास नहीं कर पाई, लेकिन बीजेपी ने उससे आगे बढ़कर, क्योंकि किसान ने गुनाह किया था, इसकी सरकार बनवा दी, तो बीजेपी ने उससे कांग्रेस से आगे बढ़कर इन बिलों को अड़ के पास कराया। जब लोग अपने घर में कैद थे, जब आदमी अपने घर से नहीं निकल रहा था, उस कोरोना काल में बैकडोर से इन बिल को लाए, और जैसे हमारे भैया बता रहे थे अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कि भाई आने से पहले वेयर हाउस बन गए, क्या इनकी मिली भगत नहीं है इन व्यापारियों से? क्या इस अडानी अंबानी नहीं चला रहे इस सरकार को? है जवाब किसी के पास तो मुझे बता दे। विकास श्रीवास्तव जवाब दीजिए। ब्रजेश भाटी जो सवाल पूछ रहे हैं, एक मिनट ब्रजेश जी, एक एक करके मैं जवाब दे रहा हूँ। विकास जी, ये भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले तो अन्नदाताओं की पवित्रता पे सवाल उठ रही है, बार बार वो अन्नदाताओं को इस आंदोलन को झाक कर किसानों की जमीन हड़पने अपने धन्ना सेठ दीजिए। रावत पटेला आपके दल में भाई, हमारे यहाँ नहीं है जमीन के घोटाले भाई। अशोक जी एक मिनट सुन लीजिए, आरोप लगा आपकी यशस्वी सरकार बहुत ताकतवर प्रधानमंत्री है, कर क्या उनकी पुलिस क्या करती है, उनकी इंटेलिजेंस सिक्योरिटी क्या कर रही है, आप चैलेंज करते हैं आवाज उठाइएगा मेरे परिवार पर, मेरे नेताओं पर, कि आपकी पुलिस नाकाम नारी है, आपने इस देश की अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया, इस देश के नौजवानों को आपने बेरोजगार बना दिया, और भारत का भविष्य अंधकार में किया, उससे आपको उठने का राइट नहीं है पांडे, कि आप आकर बड़े प्रधानमंत्री के चलते एज ए भाजपा और आरएसएस के पुराने नेता के रूप में आप जिम्मेदार व्यक्ति किसानों की पवित्रता पर आज अभी पांडे जी जैसा एक पुराना भाजपाई बार जी, बार की बात कर रहा। ठीक है विकास जी, विकास जी ठीक है, जाति के और लोग जी और मैया को कौन लोग? ठीक है विकास जी, ठीक है धर्मेंद्र यादव सवाल, धर्मेंद्र यादव उंगली उठा रहे हैं, विकास जी मैं आता हूँ वापस से, छोटे छोटे विकास जी एक मिनट, विकास जी आपकी आवाज में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है, मैं पूरी तरह से साफ नहीं सुन पा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं उसको ठीक करवाता हूँ, उसके बाद मैं वापस से आपके पास आता हूँ। धर्मेंद्र यादव अशोक पांडे जी धर्मेंद्र यादव किसान तो कह रहे हैं कि ये देखिए कांग्रेस पर भी आरोप लगाते हैं कि 2012 में इनके टाइम में ही ये बिल का खाका तैयार हो गया था, जो किसान जिसको काला कानून बता रहे हैं।
अरे क्या हो गया था, क्या हो रहा और, और, साहब क्या हो रहा उससे बात नहीं कर रहे हैं। हाँ धर्मेंद्र जी बोलिए। अशोक पांडे जी बोलिए। अशोक पांडे जी वरिष्ठ नेता है, मेरी बात सुन लीजिए पहले आप। मेरी बात प्रदेश सर मेरी बात पूरी होने दीजिए, बीच में दो हजार विकास जी मेरी बात पूरी होने दीजिए पहले। आपकी बात कर रहा हूँ मैं। 2014 में जब कांग्रेस की सरकार गई, भूम हर बिल आया जिसपे पूरे किसानों की जमीन हड़पने का काम किया, बट इसको राहुल गांधी जी की संख्या होने के बावजूद कांग्रेस से नहीं मिला। एक मिनट विकास जी, विकास जी, विकास जी आपने अपनी बात खत्म कर ली ना, उनको थोड़ा सा बोल, उनको सुन लीजिए, थोड़ा सा उनको सुन लीजिए, उसके बाद हम सब आपके पास आएंगे जी। अशोक पांडे जी वरिष्ठ धर्मेंद्र जी और इनके मुंह से जी, अशोक पांडे जी एक वरिष्ठ नेता हैं, इनके मुंह से शोभा नहीं देता है कि इस देश के ही अपने भाई बहन को किसान को खालिस्तानी बोलें। अगर इनके मुंह में जवान भगवान ने दिया है, अगर इनके मुंह में भगवान ने जवान दिया है तो करनाल के एसडीएम को नारा लगा था। अरे भाई करनाल के एसडीएम को बोलो, करनाल के एसडीएम को बोलो जो राकेश सिन्हा का नारा लगा था, भतीजा उसको बोलो एक बार कि वो सरकारी तालिबानी है, एक बार बोल नारा खाली। दूसरी बात लगा कि नहीं, अरे पांडे जी पांडे जी मेरी बात सुन लीजिए, मैंने आपकी सुन ली थी पांडे जी, आप बहुत संस्कार देते हैं, आपके संस्कार ऐसे नहीं होने चाहिए। मैं आपसे बहुत छोटा हूँ, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ अपनी बात रखने के लिए जी। मैं कह रहा हूँ कि चलो मैं भारतीय जनता पार्टी के जो आरोप है कि विपक्ष इसमें राजनीति कर रहा है, आप मुझे बताइए वरुण गांधी क्या विपक्ष के नेता है? वरुण गांधी ने इसमें सवाल उठाया, उसके बाद राज्यपाल सतपाल मलिक जी हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने इस पे सवाल उठाया क्या वो विपक्ष के हैं? इसके अलावा जो मैंने बताया कि भारतीय जो किसान संघ है बद्री नारायण चौधरी जो महासचिव हैं उन्होंने सवाल उठाया। राज्यपाल तो किसी पार्टी का होता ही नहीं है ना, राज्यपाल तो बनने की संवैधानिक, आप ये गलत कह रहे हैं धर्मेंद्र यादव। राज्यपाल संवैधानिक एक संवैधानिक, हाँ ये कह सकते हैं, ये कह सकते हैं, हाँ हाँ ये संवैधानिक पद पे बैठे हुए आदमी की बात तो सुन लो। हाँ अगर वो कह रहा है, मैं तो एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ, मैं अगर कहूंगा तो आप कहोगे राजनीति कर रहे हैं। अगर इस प्रदेश का राज्यपाल कह रहा है, इस देश का एक सांसद रूलिंग पार्टी का भारतीय जनता पार्टी का सांसद वरुण गांधी कह रहा है कि नहीं भाई किसानों के साथ जाती हो रही हो, हमारे फोन है, उनकी बात सोचनी चाहिए। आप मुझे बताइए कि प्रधानमंत्री पूरे देश को मन की बात सुनाते हैं और किसानों की बात वो नहीं सुन रहे, ऐसा कौन सा अहंकार है? देखिए इस मसले पे जो सबसे बड़ा पेच है इतना ही है कि इसमें प्रधानमंत्री का अहंकार और पूंजीपतियों का दबाव, इसके अलावा कोई बात नहीं है। ये जो तीनों कानून है बहुत आसानी से वापस हो सकते हैं, और ऐसी क्या मजबूरी आ पड़ी थी कोरोना काल में जब पूरा देश एक एक ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए तरस रहा था, उस समय किसान विरोधी बिल लाने की क्या जरूरत थी? किसान संगठनों से आपने बात नहीं किया, चलो मैं कहता हूँ बाकी संगठनों से बात नहीं किया, कोई बात नहीं, आप आरएसएस के किसान संगठन से तो बात कर सकते थे, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं थी, या वो हमारे संगठन थे? अशोक पांडे जवाब देंगे। अशोक जी जवाब दीजिए। जो हमने किसान कानून लाया, हमने ये कहा कि इसमें हम संशोधन को तैयार है, किसान भाइयों से बात करने तैयार है। एक मिनट ना धर्मेंद्र जी उनको भी सुन लीजिए ना, आप आपको सुना ना, मैंने देख लिया, बीच में नहीं बोलने दिया, उनको भी थोड़ा सुन लीजिए जी। इन लोगों ने किसान भाइयों को दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया, हमने कहा एमएसपी जारी रहेगी, पहले एमएसपी के सवाल पर आंदोलन किया, फिर काला कानून कहने लगे, फिर हमने कहा संशोधन को हमेशा तैयार है, और जो समझौते की खेती है फार्मिंग खेती पंजाब में शुरू है, कहाँ किसानों का कोई खेत ले रहा है, हमने मंडी की व्यवस्था सुसज्जित कराने का काम किया है, हमने हिमाचल आपने मंडियों को बंद करने का काम किया है, आपने मंडियों को खत्म करने का काम किया है, बिहार में हो मध्य प्रदेश में हो आपने खत्म कर दिया है। चलिए अशोक जी, अशोक जी, अशोक जी, अशोक जी, अशोक जी एक मिनट, अशोक जी, अशोक जी एक मिनट, विजय उपाध्याय जी, ये कहा जा रहा कि किसान तो राजनीति कर ही नहीं रहे, और किसान अगर नारे लगाता है अल्लाह अकबर का तो ये भी विजय जी करें कि उसमें तो किसान सभी लोगों के धर्मों के जातियों के किसान है, उसे क्यों समझें कि वो राजनीतिक हो रहा है? देखिए राजनीति करना भी कोई बुरी बात नहीं है जी, राजनीति के बगैर कुछ होता भी नहीं। देखिए मेरा पहले भी जो मैंने बात कही थी, बिना राजनीति के चीजें आगे बढ़ती ही नहीं। हाँ। मेरा कोई आरोप नहीं है, इस देश में हर आदमी को राजनीति करने की, राजनीतिक दल बनाने की, चुनाव लड़ने की पूरी स्वतंत्रता है। लेकिन जो आंदोलन है, इस आंदोलन की जो बुनियाद थी, उस बुनियाद के वो एक पेड़ था, उसमें सैकड़ों पेड़ और लग गए, एक मुद्दे के साथ ढेर सारे मुद्दे लग गए, आखिर इसमें किसान का भविष्य कहाँ है?
मेरा मेरा कोई गुरेज नहीं है, आंदोलन खूब होना चाहिए और किसानों के प्रति इस देश में हमेशा हर राजनीतिक दल, हर बड़ा नेता, हर बुद्धिजीवी किसान की चिंता जताता है, लेकिन जो किसान है उसके जीवन में जो बदलाव नहीं आ पा रहा है। आज भी खेती उन लोगों के द्वारा अच्छी की जाती जिनके घर में एक कोई व्यक्ति बाहर से पैसा घर में भेजता है तो उस पैसे से खेती होती है। इसमें कैसे बदलाव आए इसके बारे में विचार होना चाहिए। पंजाब और हरियाणा की खेती अलग है, वहां सारी खेती डिपेंड करती है सरकारी खरीद पर, लेकिन उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है और राज्य है और गेहूं धान के अलावा और भी ढेर सारी फसलें हैं जिनको लेकर हमारी चिंताएं हैं। जैसे आपको खाद्य तेल सबसे बड़ी समस्या है, दलहन एक बड़ी समस्या है, इसके अलावा जो किसान के बेटे हैं उनका रोजगार, क्या गेहूं और धान पैदा करके ही, जैसे ये इस आंदोलन का जो परसेप्शन पब्लिक के बीच में बना है वो यही बना है कि इसमें वो किसान है जो गेहूं पैदा करते हैं और सरकार को बेचते हैं, वो किसान है जो धान पैदा करते हैं और सरकार को बेचते हैं, तो ये जो परसेप्शन है इसको ब्रेक कैसे करेंगे किसान आंदोलन के लोग। इसीलिए ये किसान आंदोलन का जो पूरा कैचमेंट एरिया है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब तक ही सीमित रह गया है। आप कहते तो जरूर है कि इसमें कर्नाटक, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और तमाम देश भर के राज्यों से रिप्रेजेंटेशन है। मेरी बात सुनिए ना, अरे आपका आंदोलन बहुत बड़ा है, मेरी बात सुनिए, लेकिन मेरा ये कहना है कि उत्तर प्रदेश में गेहूं और धान रखने की जो कैपेसिटी है 55 लाख मीट्रिक टन है। उत्तर प्रदेश में 55 लाख मीट्रिक टन गेहूं और धान रखने की कैपेसिटी है और सरकार ने खरीदा 56 लाख मीट्रिक टन गेहूं और इसके बाद इन्होंने 38 से 40 लाख मीट्रिक टन इन्होंने धान खरीदा, वो पांडे जी शायद अच्छे से बता पाएंगे। तो आप खरीद रहे 100 लाख मीट्रिक टन और रखने की कैपेसिटी है 55 लाख मीट्रिक टन, क्या किसान नेता इस पे भी बहस करेंगे कि जो गोदाम है आखिर सरकार जो खरीद रही है उसको पीडीएस में भी बांट रही है, कोरोना है, डबल बंटवारा हो रहा है कि भाई आप सस्ता अनाज भी खरीद लीजिए सस्ते गल्ले की दुकान से और मुफ्त वाला भी ले लीजिए, लेकिन एक दौर ऐसा है ना कि जब ये सस्ता जो मुफ्त अनाज है वो बंद होगा, नवंबर तक अभी मुफ्त दिया जा रहा है, तो रखने की एक बहुत बड़ी समस्या है। किसानों के लिए कोल्ड स्टोरेज की एक हमेशा बहस होती रही, किसानों के इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमेशा बहस होती रही कि भाई किसान जो चीज पैदा करता चाहे फल और सब्जियां और दूसरी जिनसे वो आखिर रखेगा कहां। बिजली की समस्या गांव में बहुत बड़ी रही, पावर बैकअप कैसे होगा कि कोल्ड स्टोरेज चलते रहे, तो बुनियादी मुद्दे ढेर सारे हैं, उन बुनियादी मुद्दों से ही रोजगार जुड़ा हुआ है। तो जो बातचीत होनी चाहिए मेरा ऐसा मानना है एक बड़े किसान आंदोलन में उन सारे मुद्दों को लेकर करना चाहिए, ना कि सिर्फ आप स्पेसिफिक मुद्दे, जब आप स्पेसिफिक मुद्दे पे बात करते हैं तो लगता है कि स्पेसिफिक किसानों के लिए कर रहे हैं, तो सभी लोग, अब जैसे मिंट किसानों की क्या प्रॉब्लम है या जो अभी केले की खेती किसान कर रहे हैं उनकी क्या समस्याएं हैं, क्या उस पे डिस्कशन नहीं होना चाहिए जी, तो उस पे भी होना चाहिए। आप गन्ने की रकबा बढ़ा, गन्ने में पड़ता बढ़ गया, चीनी ज्यादा बनने लगी और चीनी के मूल्य कम है और गन्ने का रेट, तो आप कह रहे हैं कि बाकी समस्याओं पर भी बात होनी चाहिए, लेकिन आपने एक महत्वपूर्ण सवाल उठाया कि इस तरह के आंदोलनों में किसानों का भविष्य कहां, क्योंकि हर बार चुनाव आते हैं और हर बार आंदोलन भी होते हैं, किसानों की बात भी होती है, लेकिन उसके बाद सरकार किसी की बन जाती है, किसान को भूल जाते हैं। जल्दी से कमेंट चाहता हूं उस पर आपका मैं। ब्रिजेश जी, सरकार आने से पहले जो भी विपक्ष में होता है वो किसान की बात करता है और जैसे ही वो सत्ता में आ जाता है उसको किसान खालिस्तानी पाकिस्तानी फंडिंग बल दिखाई देने लगते हैं। जी, जिस तरह से जब बीजेपी विपक्ष में थी हमारे साथ आंदोलन करते थे इनके नेता आके, हाँ। हमारा मंच साझा करते थे जब तो इन्हें किसान दिखाई देते थे हम, और जैसे ही इनके हाथ में सत्ता लगी है इन्हें खालिस्तानी दिखाई देते हैं। अब ये आंदोलन जो है इन बिलों को वापस करा के हटेगा, एमएसपी पे कानून बना के हटेगा, इससे पहले आंदोलन हटने वाला नहीं है। आप कितनी ही इसमें आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं ये हटने वाला नहीं है और कल की भी तो इसका मतलब तो यही हो गया ना ब्रिजेश जी कि किसान सिर्फ मोहरा बन गया। नहीं, मोहरा क्यों बन गया, अपनी मांग ने बनवाए किसान वोटर के तौर पर एक मोहरा बन गया कि सरकार बना लो किसान के नाम पर, किसान को साथ ले लो, उसकी समस्याएं तो वैसे ही चलती रहेंगी, कौन सुन रहा है, फिर उसके बाद उसको छोड़ दो, किसानों को मोहरा बना लिया इन लोगों ने, 10 महीने हो गए। अरे पांडे जी आप तो बात ही ना करें, मुझे विकास जी क्या किसान एक मोहरा पर हो गया है, जहाँ चुनाव आए किसान की बात हो जाए, और उन्होंने पहले कहा कि जब आप सत्ता में थे तब भी किसानों की वही हाल, बीजेपी सत्ता में आई इस बात को कह करके कि हम आएंगे किसानों का भला करेंगे, आज भी किसानों का वही हाल और फिर चुनाव आ गया।
विकास जी, किसानों की समस्याएं कहां पर दूर हुई? किसान बोलिए, हम बता रहे हैं। देखिए, सरकारी फसल का जो सरकारी जितनी योजनाएं हैं उसका 75% हरियाणा और पंजाब का किसान ही उसको पूरी कर पाता है। अगर ये दो राज्यों के ही किसान अगर मान लिए जाते हैं, अगर इनकी कमर तोड़ दिया तो हिंदुस्तान भूखा मर जाएगा, सारी योजनाएं ठप हो जाएंगी, क्योंकि हम देश चला चुके, हमने अध्ययन किया है। विवेचना करना और कमियां निकालना आसान होता है, पर देश चलाना आसान नहीं है। 7.5 साल आपने किसी को देश देकर देखा है और आज आप किस दशा पर बैठे? किसान है नहीं, युवा भी, युवा भी। अब देखो, चिल्ला रहा है, चिल्ला चिल्ला के बात मारा जाता है। मुझे तो आने में एक मिनट का आपने समझ लिया किसानों की आवाज दबानी, किसानों की आवाज दबा रहे हैं, ये किसानों की आवाज दबा रहे हैं। चलिए, एक एक जी, विकास जी, विकास जी, विकास जी अपनी बात पूरी कीजिए, विकास जी अपनी बात पूरी कीजिए। अशोक जी, अशोक जी एक मिनट सुन लीजिए, अशोक जी, अशोक जी समय कम है, अशोक जी सुन लीजिए, सुनिए। बात करता है, हाँ, तो किसानों का साथ देना पड़ेगा, उसको अपनी राजनीतिक लाइन चेंज करनी होगी। और रही मायावती जी का सवाल, वो भाजपा की बी टीम है, वो किसानों को अपमानित कर रही है। और अब बीएसपी भी भाजपा की बी टीम है, दलाली कर रहे हैं, वो वहां इकट्ठा हुए। विकास जी, जो भी आप पर सवाल उठा दे वो सब भाजपा की बी टीम है। और इनको मुंह तोड़ जवाब सब देंगे, और कांग्रेस हो, सपा हो, कोई भी दल हो, कोई भी राजनीतिक कार्यकर्ता हो, पहले वो सवाल इसलिए आपसे पूछे जा रहे हैं ना विकास जी, सत्ता से तो पूछे ही जा रहे हैं आपसे, इसलिए कि आपने सबसे ज्यादा राज इस देश पे किया है लंबे वक्त तक, तब किसानों की हालत क्यों नहीं सुधरी? अपनी आपके मांग लेकर आंदोलन करेगा और हम जैसे लोग, कांग्रेस के लोग उसका। चलिए, धर्मेंद्र यादव जी, जल्दी से बिल्कुल संक्षेप में, अब मैं खत्म करने की तरफ जा रहा हूँ। धर्मेंद्र यादव जी, आपने बात सुनी, कांग्रेस पार्टी की भी, किसानों की भी बात सुन ली, कि उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता, सरकारें बदल दी जाती है, किसान एक मोहरा हो गया। मैं कह रहा, अशोक पांडे जी कह रहे हैं किसानों की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। हाँ, आप मुझे बता दीजिए कि गन्ने का मूल्य बढ़ाने के लिए कांग्रेस भी कह रही है ना, किसने रोका? किसने रोका उत्तर प्रदेश में गन्ना मूल्य बढ़ाने के लिए? किसने रोका उत्तर प्रदेश में जो बकाया गन्ना भुगतान है 12,500 करोड़ रुपए का, उसको देने से किसने रोका? सबसे ज्यादा मतलब क्या होता है? चलिए, सुनिए धर्मेंद्र जी एक कमेंट अशोक जी से ला आखिरी कमेंट। 9 महीने तक कड़ी धूप में महंगी बिजली महंगा में, उसके बावजूद आपको सुन नहीं है किसानों के साथ इस तरह से चलिए, मैं माफी चाहता हूँ, अब समय नहीं है। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी हमारे साथ जुड़े, ब्रजेश भाटी जी, विकास श्रीवास्तव जी, धर्मेंद्र यादव जी और अशोक पांडे जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। विजय उपाध्याय जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर के किसानों की समस्याएं वहीं की वहीं हैं, सरकारें बदल जाती है, किसान एक मोहरे के तौर पर रहता है, हर बार चुनाव आते हैं तो सबको किसान याद आता है, वहीं किसान जब इस तरफ जा रहा है तो सोचने की इस बात को जरूरत है कि क्या किसानों की राजनीति भी बदलती जा रही है, क्या किसान आंदोलन की दशा और दिशा भी बदल रही है, यह भी सोचने वाली बात है। इसका जवाब आगे आने वाले समय में तलाशना होगा। नमस्कार।